गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं LR ब्लॉग और लंबे समय के बाद मैं आपसे मिल रहा हूं तेज प्रताप यादव। और आइए मैं दिखाता हूं कि हमसे कुछ हमारा जो घर है ये जहां अभी मैं घर पे मौजूद हूं और हमसे कुछ लोग ब्लॉगर हैं जो कि हमसे मिलने के लिए आई हैं। दो लड़कियाँ हैं, दो लेडीज़ हैं जो हमसे मिलने के लिए आई हैं यहाँ पर, वो भी ब्लॉगिंग करती हैं, हीना सहनी के नाम से हैं। तो आइए उनसे मिलवाते हैं कि ये क्या करेंगी, ब्लॉग ये ब्लॉगिंग करेंगी हमारा, और बोल रही थी कि साथ में ब्लॉगिंग करेंगे। तो मैं एक बार इनसे पहले बात कर लेता हूँ, इनसे मिलते हैं। ये हैं हीना सहनी जी और इनका YouTube पे बड़ा अच्छा फॉलोवर्स भी है और इन्होंने कई एक सारा वीडियो भी पोस्ट करने का काम किया। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये नंगे पाँव हैं, ये नंगे पाँव हैं और ये नंगे पाँव रहकर ये ब्लॉगिंग करती हैं। तो आप नंगे पांव, मतलब कि कब से आप ब्लॉगिंग कर रही हैं, मतलब क्या आपके दिमाग में आया कि आपको नंगे पांव ब्लॉगिंग करना चाहिए? एक्चुअली मुझे 1 ईयर करीब हो गया है नंगे पांव होते होते कि मैं खाली पैर ही चलती हूँ, इसे बेयर फुट कहते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत बेनिफिशियल है। और सेकेंड थिंग ये कि इंडिया के बाहर बहुत ही ज़्यादा प्रमोशन इसकी होती है क्योंकि बेयर फुट लिविंग इज़ द बेस्ट लिविंग। अगर आप फुटवेयर पहनते हो तो आप एकदम एक केज में बंद हो जाते हो, आप जैसे होता है ना जैसे उसमें, जैसे कि हमारे मम्मी पापा बोलते हैं कि मॉर्निंग में उठने के बाद नंगे पाँव घास में चलना चाहिए, जिससे आँखों की रोशनी बहुत अच्छी हो जाती है। उस तरीके इस तरीके का मतलब कि आपने यहाँ पे कैसे मेरे बारे में आपको जानकारी हुआ, कैसे आपके बारे में जानकारी? ऑब्वियसली आप इतने अच्छे इन्फ्लुएंसर हो, ठीक है, मैं आपको ऐसे जानती हूँ एज अ फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर तो जानती हूँ, बट आई लाइक योर ब्लॉग्स और सिंपलिसिटी, आप कितने डाउन टू अर्थ हो। और मुझे अपने मामा से बहुत ही ज़्यादा प्यार है, इस वजह से मुझे बहुत ही अच्छे वैसे लोग लगते हैं जो इतने बड़े लेवल के और मतलब विदाउट एकदम एटीट्यूड हो, तो यही चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। चलिए धन्यवाद। तो अब बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? हाँ, तो मैं आपका वैसे तो एक होम टूर देखना चाहूँगी और आपके बारे में पूछना चाहूँगी कि आप इतनी जल्दी मतलब अभी यूट्यूब में व्लॉग्स बना रहे हो, इतनी जल्दी फेमस हो रहे हो, कैसे गेन कर रहे हो सब कुछ? नहीं देखिए, यूट्यूब में क्या है कि दो तीन हमारे फ्रेंड हैं जो कि ब्लॉग बनाते हैं, तो उनसे थोड़ा इंस्पायर हुआ और वो भी बोले कि इसके अलावा तुम तो भाई नेतागिरी करते ही हो, पॉलिटिक्स में हो ही, कि हमारा जो काम है वो तो हम करते हैं लेकिन हमारे साथ कुछ ब्लॉगिंग वगैरह भी करो तो उसमें और तुम्हारा क्रेज बढ़ेगा और इसमें ज़्यादा तुम्हारे फॉलोवर्स बढ़ेंगे। तो हमने शुरू कर दिया। मैं कभी भी देखती हूं, क्योंकि यंगस्टर जो हैं, क्योंकि हम यंग यूथ हैं और हम यंग यूथ जो है जिस तरीके से यंगस्टर आज के डेट में चलने का काम कर रहे हैं उसी तरीके से हम भी चलने का काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली, आपका जो स्टाइल होता है ना चलने का काम, इसमें कमेंट्स में बहुत ही ज़्यादा लोगों को पसंद आता है, मतलब कहते हैं आपका एक अलग ही वे है, एक अलग ही मतलब स्टाइल, एक स्वैग होता है वैसे एकदम पॉलिटिक्स से एकदम अलग। और ब्लॉगिंग करने का एक और बेनिफिट भी होता है कि साथ साथ कि आपको जैसे पॉलिटिकल लोग देखते हैं बट यंगस्टर्स भी देखना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है, कि बिहाइंड द सीन आखिर क्या है, तो वही चीज़ लोगों को बहुत पसंद आती है, आपकी सिंपलिसिटीज में नज़र आ रही है। दैट्स व्हाट आई लाइक एक्चुअली, मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी मैं भी शूट करना चाह रही हूँ आपके साथ ब्लॉग, ताकि मेरा भी कुछ प्रमोशन हो। नहीं नहीं, शूट कीजिए आप। हाँ श्योर, शूट कीजिए। थैंक यू। स्टार्ट आप भी लोगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, वीडियो ले लिया, आप उसको वो करें, आप स्टार्ट करें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो दिस इज़ योर ऑल टाइम फेवरेट बैकफुटर हीना सहनी फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ, एंड हियर यू कैन सी द फेमस पर्सनालिटी ऑफ बिहार, मिस्टर तेज प्रताप यादव, सन ऑफ सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। ही इज़ जस्ट सो डाउन टू अर्थ। मैंने इनके पहले सिर्फ व्लॉग्स देखे हैं, तो मैं वही एक्सप्लोर करने आई हूँ कि कोई बंदा जो इतना फेमस हो, जिसके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, क्या वो इतना डाउन टू अर्थ भी हो सकता है? तो आप लोगों को भी इंस्पायर होना चाहिए इनसे। आप बता सकते हो मुझे कि आप इतने डाउन टू अर्थ कैसे हो? नहीं देखिए, हमारा संस्कार यही है, हमारा फैमिली बैकग्राउंड भी यही रहा है कि शुरू से ही हम लोग डाउन टू अर्थ हैं और जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है वही आगे बढ़ता है और वही काम भी करता है। क्योंकि हवा में उड़ने वाले लोग वो हवा में ही बात कर सकते हैं, ज़मीन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो चीज़ उनको फील नहीं हो सकता। तो इसलिए हम लोग धरातल से जुड़े हुए रहते हैं और ज़मीन को पकड़ के रखने का काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैं एक बैकफुटर हूँ, मैं भी एकदम धरती को टच कर रही हूँ, आई एम जस्ट टचिंग द मामा अर्थ, आई एम सो क्लोज टू द मामा अर्थ। हाँ, तो ये अर्थ जो है, अर्थ से आपको जो
आपका जो बॉडी है वो एक्यूप्रेशर भी होगा। तो एक्यूप्रेशर के जरिए बड़ा अच्छा है कि ऐसे बहुत सारे ऐसे भाग दौड़ के माहौल में क्या होता है ना कि लोग ये सब चीज़ों से दूर होते चले जा रहे हैं, हेल्थ को भूलते चले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बीमार भी होते रहते हैं। अभी कोरोना काल में देखिए कितने लोगों ने मर भी गए, कितने लोग, और कोरोना पूरे तरीके से फैला हुआ है। लेकिन अपने शरीर को और अपने बॉडी को कैसे हम फिट रख सकते हैं, ये बहुत अच्छा है जो आप लोगों ने करने का काम किया। इतना बड़ा आदमी मेरे को बोल रहा है कि मतलब ये कितनी अच्छी चीज़ है, मेरे बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। थैंक यू सो मच, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है कि मैं कोई एक चीज़ शेयर कर रही हूँ और उसको ऐसे लोग प्रमोट करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। नहीं नहीं ठीक, आपने जो चैनल बनाया है और हाँ। आपके व्यूवर्स भी हैं, सब देखने का भी काम कर रहे हैं, तो कुछ नया चीज़ उनको भी आइडिया मिल रहा है, वो भी कुछ सीखने का, आपको फॉलो करके कुछ सीखें वो, जिनको उनको फायदा हो, तो बहुत अच्छा है। कोई भी एक अच्छी चीज़ शेयर करनी चाहिए, जैसे आपके ब्लॉग्स के थ्रू भी पता चलता है कि आप एक पॉलिटिकल लीडर तो हो ही, और साथ साथ कैसे आप मतलब इतने सोशल भी हो। नहीं नहीं सोशल तो होना ही चाहिए। अब यंगस्टर हैं, यूथ हैं, और बहुत सारे लोग को है कि ब्लॉगिंग करते थे, तो हमको इंस्पायर हो गया कि हम भी चलो भाई कुछ अलग हट करके कुछ करने का काम कर रहे हैं, तो हम भी ब्लॉगिंग करने का काम चालू कर दिया। really nice, और ये करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ आदमी को करना चाहिए, exactly, कर्म करना चाहिए, वेरी नाइस nice. इसलिए वर्क करना चाहिए, काम करना चाहिए, अपने स्किल्स को, वेरी नाइस, दैट्स प्रीटी वेरी गुड, कि आप फुल 100% स्किल्ड हैं। दिस इज व्हाट आई लाइक एक्चुअली। तो आप देख रहे थे एलआर ब्लॉग, और हिना सहनी जी थी जिन्होंने बताया, बहुत सारी जानकारियां हमें देने की काम की। और फिर अगले ब्लॉग पे आपको मिलूंगा। नमस्कार।